आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर कस्बे के 3 मोहल्लों में डायरिया से पीड़ित मरीजों में लगातार वृद्धि होती जा रही है। रविवार की शाम 4 बजे तक 25 नए मरीज CHC मुबारकपुर में भर्ती कराया गया है। पीड़ित मरीजों का इलाज चल रहा है। शुक्रवार को पूरा रानी मोहल्ले में डायरिया से एक महिला की मौत के बाद लोग डरे हुए हैं। मुबारकपुर नगर के बलुआ रजानगर व सरैया मोहल्ले में डायरिया के नए 25 मरीज मिलने के बाद रविवार को डायरिया मरीजों की संख्या कुल 548 पहुँच गई है। इन मरीजों को मेडिकल कॉलेज में 270 जिला सहित चकरपानपुर अस्पताल में 24, दो महिला अस्पताल में मरीजों को रेफर किया गया है। वहीं अब तक CHC मुबारकपुर से 224 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि 4 लोग डायरिया से अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। उधर घर घर पानी की सप्लाई टैंकरों से किए जाने का क्रम जारी है। रविवार के दिन भी कस्बे में जमी रही CHC मुबारकपुर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज रावत ने बताया कि डायरिया रोग से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की प्रभावित मोहल्लों में कैंप कर दवाई वितरित कर रही है। वहीं लोगों को डायरिया रोग के बचाव के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। न्यूज 9 भारत के लिए सरफुद्दीन आजमी की खास रिपोर्ट। हम इस वक्त ये अंदर का नजारा है और यहाँ पे मरीज किस तरीके से बैठे हुए, ये है मरीज और मरीज के साथ ये मरीज के गार्जियन है। और हम आपको बात कराते हैं, इन क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्माइल। कहाँ घर आपका है? घर तो हमारा बंगला पर। बंगला पे तो ये जो डायरिया का पता हुआ प्रकोप जो नजर आया है, जिस तरीके से लोग डायरिया का शिकार होते चले जा रहे हैं, तो किसकी कमी पाई जा रही है? अब तो पानी होने की बता रहे हैं समस्या, लेकिन जो पानी का जो सैंपल यहाँ से लखनऊ जांच के लिए गया है उसमें पूरी तरीके से नगर पालिका का पानी दोषी पाया गया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोग को चाहिए कि मतलब उसको सही कराएं। में जो जगह नहीं है तो यहाँ पे काफी उन्होंने चारपाइयाँ लगाकर मरीजों की सुरक्षा करें। प्रशासन पूरी तरीके से गलत है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जा रहा है तो नगर पालिका के लापरवाही। क्या नाम भाई आपका? क्या नाम है? आज आपके कितने मरीज हैं? तो ये डायरिया का जो आप प्रकोप आप खेल रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? कौन है? नगर पालिका है। ये थे आप अपने बच्ची को लेके यहाँ पे कितने दिनों से बच्ची है? आज लेके आई हैं, तो आपको यहाँ दवा सुधा ट्रीटमेंट किस हिसाब से मिल रहा है? सबको सरकारी मिल रहा है। आप यहाँ के डॉक्टरों से, यहाँ के स्टाफ से संतुष्ट हैं? और ये नगर पालिका का जो पानी है, नगर पालिका के पानी पीने से इस तरीके का मामला हुआ है या फिर उनका पानी पी टंकी का पानी? ये थे आइए कमरा नंबर 16 में है और कमरा नंबर 16 में एक भी बेड खाली नहीं है जो मरीज से भरा हुआ न हो। इसमें काफी मरीज जो है अपनी दिक्कतों का सामना उठा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर की टीम जो है पूरी तरीके से लगी हुई है और डॉक्टरों यहाँ काफ़ी मरीज रेफर भी हुए हैं, कुछ आजमगढ़ चक्रपान को रेफर हुए हैं, कुछ कहीं रेफर हुए हैं, अच्छे होकर भी लोग जा रहे हैं। लेकिन हम सीधा बात करते हैं परिजनों से और आपको रूबरू कराते हैं। क्या नाम है? तो आप जो है यहाँ पे जाइए, कौन सी कार बना रहे आपके बच्चे को? तो इसका दोस्ती कौन है? इसका दोस्ती कौन है, मतलब किस वजह से डायरिया फैली हुई है? पानी की वजह से। ये से देखिए और अब आपको रूबरू करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। असलम, आप यहाँ पे किसको लेके भर्ती हैं? आपने साड़ू को कहाँ पर मकान है? नवादे। तो ये डायरिया का जो पति पड़ता हुआ नजर आया है, इसका पूरी तरीके से कौन जिम्मेदार है? पानी का। तो कौन सा पानी पीते थे? नल का पानी, हैंड पाइप का पानी पीते थे? जो सप्लाई का पानी, जो नगर पालिका जो सप्लाई करता है उसका पानी पीते हैं, उसकी वजह से ये शिकार हुआ।
ये भी देखिए हमारे साथ असलम और यहाँ पे काफी मरीज भी हैं और किस तरीके से इन्होंने स्पष्ट जवाब में कह दिया कि हम सप्लाई का पानी पीते थे और सप्लाई का पानी पीने की वजह से हमारे रिश्तेदार उनके रिलेशन में जो भी हैं वो डायरिया का शिकार हो चुके हैं और इसी तरीके से आम मलबा पे जो है काफ़ी लोग डायरिया का शिकार हुए जिसमें लगभग तकरीबन 548 मरीज जो डायरिया के शिकार हो चुके हैं। ये थी मुबारकपुर नगर पालिका की ये स्थिति है कि अपनी जनता का जरा भी ख्याल ना कर पाई। न्यूज़9 भारत के साथ सरस्वती राजवी की खास रिपोर्ट। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।